नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरल भारत न्यूज पर स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ शिमोन निगम और आज हमने लाइव इंटरव्यू सीरीज में एक नया आगाज किया है। जी हाँ दोस्तों, ये आगाज है द डॉक्टर नामा सीरीज का, स्पेशली हमारे कोविड वॉरियर्स के सम्मान में, लाइफ सेवर्स के सम्मान में। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर ज्योति चौहान। डॉक्टर ज्योति चौहान मैम, मैं आपका बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ, आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया। नमस्कार जी मैम, मैं आपका छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी ताकि दर्शक आपसे अच्छे से रूबरू हो सके। जी जी, धरती पर राम जी ने इंसान के रूप में जन्म लिया लोगों को अधर्म से बचाने के लिए। वहीं डॉक्टर्स के रूप में भगवान ने धरती पर जन्म लिया है लोगों को बचाने के लिए। और डॉक्टर्स का महत्व हम इन 2 साल में बहुत अच्छे से जान पाए हैं दोस्तों। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ी हैं, डॉक्टर ज्योति चौहान मैम, जो कि MBBS, MS, ऑप्स एंड जीन गोल्ड मेडलिस्ट JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर राजस्थान से पढ़ी हुई हैं। साथ ही इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, जिसको मैं शॉर्ट करके बोलूं तो भी वो कम पड़ेगा। FICMHCH ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, इंचार्ज गायनेकोलॉजिस्ट है मैम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सागर, पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी है FOGSI के। इसके साथ ही मैम ने 4 नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है स्पेशल कॉन्फ्रेंस में, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। करेंटली वो वाइस प्रेसिडेंट है IMA सागर, मॉडल ऑफिसर, PCPNDT मेंबर ऑफ एथिकल कमिटी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। जी मैम, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी इस स्पेशल सेशन में कि आपने आपका इतने सारे अचीवमेंट्स जो मैंने बोले वो फिर भी बहुत कम है, पर आपने ये मेडिकल लाइन में अपना पहला कदम कब रखा था और किस तरह से शुरुआत की थी? मैं 1979 में मेडिकल प्रोफेशन में आई। जी 1979 में मैंने MBBS में एंट्री ली। PMT हम लोग एक एग्जाम देते हैं, ओपन एग्जाम, उसके थ्रू मैं एंटर हुई। JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर राजस्थान से मेरी पूरी पढ़ाई हुई और वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। जी मुझे डॉक्टर बनने का चाव शुरू से ही था। एक बहुत बड़ा हादसा हमारे परिवार में हो गया था। मेरी मौसी और मेरी मामी जी का बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो शायद नहीं बचेंगी, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें बचा लिया। तभी से मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि ये जो लोग हैं ये धरती के भगवान हैं और किसी प्रकार से इनकी तरह से हम काम करना सीख जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। और तभी से मेरे दिमाग में ये बात आ गई और मैंने डॉक्टर बनना सुनिश्चित किया। जी मैम, मैं आपसे इसी प्रश्न से एक मिलता जुलता प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपने अपने कैरियर में कितने उतार चढ़ाव देखे और कितनी मुश्किलों के बाद इन अचीवमेंट्स को आप पा पाए हैं अपनी लाइफ में, आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या रहा? उतार चढ़ाव तो इतने देखे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमारे पास जो मरीज आते हैं, और खास करके क्यों मैं शासकीय चिकित्सालय से पढ़ी हूँ और अभी भी शासकीय चिकित्सालय में कार्यरत हूँ, तो हमारे यहाँ वो मरीज आते हैं जो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जितने की किताबों में हमने कभी पढ़ा भी नहीं होता है। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, होली का दिन था और अजमेर मेडिकल कॉलेज में मैं उस समय एक रेजिडेंट के तौर पर कार्य कर रही थी, लेबर में पोस्टेड थी। एक मरीज 2 दिन से दर्द के साथ अपने घर में तड़प रही थी और कोई इसको लाने वाला नहीं था, और वो बैलगाड़ी से, ये बात है 1985 की, 1985 में बैलगाड़ी से, जबकि उस समय बसें चलने लग गई थी और मोटर कार भी चलने लगी थी, लेकिन गरीबी की मार बहुत बुरी होती है। एक गरीब परिवार की वो महिला थी और उस एरिया, हमारा राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ था उन दिनों में, हमारे यहाँ बैलगाड़ी का प्रयोग तब भी किया जा रहा था। उसकी पोजीशन ऐसी थी कि उसके आड़ा बच्चा था,
और प्रसव के दौरान बच्चे का हाथ बाहर आ गया था। अब आड़ा बच्चा किसी भी प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी में नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका पांचवा बच्चा था। तो उसने तो ये सोचा था कि चार बच्चे नॉर्मल हो गए तो ये बच्चा भी घर पे हो जाएगा, पर क्योंकि ये बच्चा आड़ा था, इस बच्चे के होने की कोई संभावना नहीं थी। बच्चा पेट में ही समाप्त हो गया और उसका हाथ बाहर आ गया और वो वैसे ही कंधे के बल अटक गया। और इस अटके वाली स्थिति में वो होली के दिन हमारे अस्पताल में आई बैलगाड़ी से। उसको चलते चलते 1.5 दिन लग गया था। 1.5 दिन बाद वो हमारे पास आई, और जिस स्थिति में वो आई वो बहुत ही खराब स्थिति थी। उसका हीमोग्लोबिन केवल 5 ग्राम प्रतिशत था, जो कि 11.5 होना चाहिए, यानी यूं समझिए कि वो करीब रुपए में 4 आने समझिए, इतना खून की कमी थी। और क्योंकि होली का दिन था तो बहुत सारे लोग भी नहीं थे हमारे पास में, कई लोग छुट्टी पे थे, और रूटीन अस्पताल भी नहीं चल रहा था, इमरजेंसी सर्विसेज केवल चल रही थी, और होली खेलने के चक्कर में लोगों ने पानी भी खत्म कर दिया था। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ हो गई थी, और उसके बावजूद हम लोगों ने उसे मैनेज किया, उसका ऑपरेशन किया सफलतापूर्वक, उसे ब्लड दिया हमने ही, हमारे ही कर्मचारी ने ब्लड डोनेट किया, और वो ब्लड हमने उसको दिया, उसका ऑपरेशन किया, वो आड़ा मरा हुआ बच्चा हमने निकाला और उस महिला की जान बचाई। वो जगह का नाम है पर्वतसर, जहाँ पे मार्बल, सफेद मार्बल जहाँ पे बनता है, जहां से निकलता है खानों से, ये वो जगह थी। वहां से वो मरीज अजमेर तक आई थी। ऐसा ये वाकया मैं कभी नहीं भूल सकती, और ये मतलब देखने से लगता था कि शायद हम न बचा पाएंगे, लेकिन भगवान ने मदद की और हमने कोशिश की और हम उसे बचा पाए। जी, मतलब ये कह सकते हैं कि एक डॉक्टर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। सिर्फ आप सोच लो डॉक्टर बनना और बन के उस काम को सक्सेसफुली निभाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जी जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे साथ लगातार बहुत दर्शक जुड़ रहे हैं। अमीर कुमार निगम जी हैं, प्रकृति प्रेमी महेश तिवारी जी हैं, हीरा जी हैं, वो सब आपको जी थैंक अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को लेकर बहुत सराहना कर रहे हैं। यू। जी मैम, मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी, गवर्नमेंट वार्ड में ड्यूटी करना, इसके अलावा इतनी रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट की पोस्ट निभाना और साथ में ही मरीजों को, पेशेंट्स को अवेयर करना, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज इतनी हार्ड होती है, उनको हर चीज समझाना कि घबराए ना, इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर, आप वो ऊर्जा कहाँ से लाती है, आप में वो एनर्जी कहाँ से आती है कि हर चीज आप मैनेज कर सके, प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी। जहां चाह है वहां रहा है। और जहां तक एनर्जी लेवल्स की बात है, मैं आपको बताऊं, मैं 61 ईयर्स कंप्लीट करके 62 रनिंग हूँ इस समय पर, और प्रतिदिन मैं योग करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि सभी लोग अपने जीवन में योग को उतार लें तो जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम से कम दुगनी तो हो ही जाएगी। तो सही ये बात, एक मुझे लगता है कि चीज है जो मुझे हेल्प करती है। और दूसरा, मोटिवेशन तो पेशेंट खुद ही होते हैं, उनकी आंख में जो खुशी आती है जब हम कुछ अच्छा करके देते हैं, और जब किसी रोते हुए को हंसा देते हैं और किसी मरते हुए को बचा लेते हैं, तो जो कहना चाहिए कृतज्ञता उसकी आंखों में झलकती है ना, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। वो ये कहता है कि और चलो और चलो, आगे चलो आगे चलो। तो इस तरीके से करके मोटिवेशन तो प्रतिदिन हमको प्राप्त होता है। रही बात सरकारी अस्पताल की, जैसा कि आप जानती हैं सरकारी अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त होना तो संभव ही नहीं है, इतने सारे हर्डल्स होते हैं। और मेरे ख्याल से जब तक चैलेंजेस लाइफ में नहीं होना, हम बेहतर कर ही नहीं सकते। जब तक पेंसिल को शार्पनर में नहीं डालेंगे ना, वो पेना नुकीली नहीं होगी और अच्छा नहीं चलेगी। तो हमारा शासकीय चिकित्सालय में होना हमारे ख्याल से हमको प्रतिदिन पेना करता जाता है और हम बेहतर काम कर पाते। बिल्कुल मैम। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये हमारे दर्शकों से भी एक सवाल है, नीलेश पटेल जी का भी सवाल है। कोरोना, पिछले 2 साल से हम इस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में जब इतनी खबरें आ रही थी कि लोग से दूर भाग रहे थे, इनफेक्ट कई डॉक्टर्स ने भी अपनी जान गंवा दी, तो ऐसे में आपने अपने आप को, जी 1,000 डॉक्टर्स कम से कम नहीं रहे इसमें। जी जी ऐसे में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, और ऐसे में आपको मतलब अभी ऐसी फीलिंग आई होगी डर जैसी, भय जैसी, अपनी फैमिली को लेकर अपनी ड्यूटी निभाना, उसके प्रति कृतज्ञता रखना, मैम इस फीलिंग को आप शेयर कीजिए दर्शकों के साथ।
डॉक्टर इज ऑल्सो मेड ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, यानी इंसान तो है ही, वायरस हमें भी अटैक करेगा और हम भी बीमार हो सकते हैं। और मेरे साथ तो एक दिक्कत की बात ये भी जुड़ी थी कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, जिस समय पहली वेव कोरोना की स्टार्ट हुई मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, और तब तक भारत सरकार ने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टीकाकरण नहीं शुरू किया था, और मेरा एक नाती है जो 8 साल का है उसके लिए भी टीकाकरण नहीं था। तो मेरे लिए तो ये दोहरी मार थी, यानी मैं अस्पताल जाती, मरीज देखती, घर आती, नहाती। एक एक रात में तीन तीन बार हमें नहाना पड़ता, क्योंकि अगर हम अपने कपड़े बाहर रखते, पूरा का पूरा प्रोटेक्शन रखते, एक ओवरऑल हम पहना करते, पीपी किट्स तो खैर अस्पताल में पहनते, उनको तो घर नहीं लाते थे, लेकिन अलग से एक ड्रेस हमने अपने लिए बनाई थी जिसको कि हम बाहर ही रखते थे, और घर आने के बाद में कपड़े बदल के नहा के और फिर सब लोगों से मिलते थे। तो मेरे जैसा कि मैंने बताया, शायद और लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम जुड़ी होगी, घर के लोगों को बचाना बहुत बड़ी एक कहना चाहिए चैलेंज था हमारे लिए। मरीजों को बचाना उतना डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे हमारे पास सारे साधन है, हमारे पास पीपी किट है, हमारे पास मास्क है, N95 है, सब चीजें हैं, तो हम उसका और हमारे पास सामान है ऑपरेट करने का, हम कर लेते हैं सब काम। लेकिन जब हम घर आते हैं तो घर की जवाबदारी भी, और सबसे बड़ी बात यह कि लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ सर्वेंट्स ने आना बंद कर दिया, तो यानी घर का काम भी पूरा आपके सिर पर ही था, और बेहतर था एक तरीके से, आप बेहतर तरीके से काम कर पाते थे, अगर खुद करते थे तो खाना भी बेहतर बनता था, सफाई भी अच्छी हो जाती थी, और बाहर से कोरोना आने का खतरा नगण्य हो जाता था। कोरोना का डर इतना ज्यादा था कि अगर हमें दिन रात भी काम करना पड़े तो हम उसके लिए तैयार थे। हमें 3:30 बजे उठना पड़ता था नाश्ता बनाने के लिए, हम उठ जाते थे, बीच में हम जाते थे ऑपरेशन करने के लिए, लौट के आते थे, नहाते थे, और फिर नींद नहीं आ रही होती थी तो हम अपना घर का काम शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से कर करके घर और बाहर में सामंजस्य बिठा लिया, और मुझे तो लगता है ऊपर वाले की शक्ति रहती, वो मदद करता है तो सब हो जाता है। सही बात है मैम, और बिल्कुल बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है सभी लोगों के लिए, सभी फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए, कि प्रोफेशनली और पर्सनली आप खुद को कैसे मेंटेन कर सकते हैं चाहे वो कोरोना महामारी का समय क्यों ना हो। जी जी मैम, लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, रोहित मंडल जी हैं, विशाल यादव जी हैं, विजेश राय जी हैं, लक्ष्मी टोकसे जी हैं, सभी आपका स्वागत कर रहे हैं, पारस जैन जी हैं, महेश तिवारी सर हैं। थैंक यू मैम। एक और दर्शकों से हमारा सवाल आया है कि आपकी लाइफ का सबसे खतरनाक ऑपरेशन कौन सा था, सबसे खतरनाक अनुभव अभी तक मेडिकल लाइन। सबसे खतरनाक अनुभव तो वही था जो वो हाथ लटका के बाहर आई थी होली के दिन, जो मैंने बताया बैलगाड़ी से आई थी और 5 ग्राम उसमें खून था, और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी आया था जिससे खून हम ले ही नहीं सकते थे, तो हमारे ही कर्मचारी ने उसे खून दिया था, जो मैंने अजमेर का वाक्य आपको बताया था जी। वो बहुत नाइटमेयर जैसे था हमारे लिए, लगता था कि ये चैलेंज हम कभी भी वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उस चैलेंज को ओवरकम किया और इतने डिफिकल्ट टाइम को हमने निकाला। वो मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा कठिन वाला दिन था। एक तो मैं पढ़ रही थी उस समय, और दूसरी चीज ये थी कि वो दिन होली का था, सारे लोग उपलब्ध भी नहीं थे, और जो उपलब्ध थे उनने भी कुछ कुछ खाया पिया था, जो आप जानती हो सकते हैं होली के दिन तो कितनों को कितना रोक सकते हैं, आप समझिए बहुत ही मुश्किल का वो सिचुएशन थी, लेकिन उसको अगर जीत लिया तो सब जीत लेंगे। जी बिल्कुल मैम। मैम एक और प्रश्न आया है हमारे दर्शकों से कि कोरोना महामारी में हम सभी ने भारत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से देखा, और कहीं ना कहीं ये चीजें भी पता चली कि कई चीजें अप टू द मार्क नहीं थी, जो अब हो चुकी है या हो रही है डेवलपमेंट है, इस पे आपके क्या विचार है। बिल्कुल, अगर आपके घर 4 मेहमान आ जाए तो अगर बिना बताए भी मेहमान आ गए तो आप चाय बना के पिला देंगे, लेकिन आपके घर में एकदम से 50 मेहमान आ जाए तो आप चाय नहीं बना पाएंगे, दूध कम पड़ जाएगा ना, क्योंकि आपको एंटिसिपेशन तो था नहीं कि इतने सारे लोग आएंगे। तो ये जो दूसरी घातक लहर थी इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी कि इतनी घातक होगी, और ये एकदम सडनली एक स्टीप प्राइस की तरह आई, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर सिचुएशन ऐसी बन गई कि बेड्स भी कम पड़ रहे, ऑक्सीजन भी कम पड़ रही, मतलब आपका रोज रोज का जो जैसे मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया, दूध घर में खत्म हो गया वाली बात, नॉर्मल सिचुएशन में तो हम ऑक्सीजन हमारे लिए
पूरी पड़ती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतनी ऑक्सीजन खाने वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो ये डेल्टा, ये जो वेरिएंट था इसके बारे में, म्यूटेंट था ये, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। फर्स्ट वेव जो हमारी थी उसमें लोग धीरे 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 करके डिट्यूरेट, अगर कोई खराब कंडीशन में भी जाता था तो कम से कम वो हमें हफ्ते 10 दिन का टाइम देता था। इस वाली सेकेंड वेव में तो उन्होंने हमें 24 से 48 घंटे का टाइम भी नहीं दिया, एकदम से सिचुएशन खराब हुई है। तो इतनी खराब सिचुएशन को एकदम से हैंडल करने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, इस बात को मैं एडमिट करती हूँ, क्योंकि ये सबके साथ हुआ, एडमिट करना चाहिए। लेकिन अब हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर तीसरी वेव आती है तो हम सागर में कल ही हमारा ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट हो, हम अपने ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास 100% ऑक्सीजन लगातार चलेगी, हमें कहीं से सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पाइपलाइन बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने 100 ऑक्सीजन बेड तैयार कर लिए, हमने अपने वार्ड्स को कन्वर्ट कर लिए, हमने अपने लोगों को ट्रेन कर लिए, हमने दवाई की व्यवस्था बना ली, अब हम पूरी तरह से तैयार है, अब आ जाओ कितने भी मेहमान आते हो हम मैनेज कर लेंगे, ये सिचुएशन है। और इसी के साथ हमारे दर्शकों से स्पेशल कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा है। थैंक यू जी। मैम, आपके हिसाब से सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे भी दर्शक जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल लाइन में काम कर रहे होंगे या बनना चाहते हैं डॉक्टर अपने कैरियर में, तो उनके लिए आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? फोकस, फोकस ऑन वॉट यू डू, आप वन थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल, मेरा तो ये मोटिव है, यानी मैं एक काम एक समय पे कर रही हूँ, अगर मैं अस्पताल में हूँ तो मेरी पूरी की पूरी एकाग्रता मेरा मरीज है, फिर मुझे घर नहीं दिखता, फिर मैं पूरे का पूरा उसी में लग जाऊंगी और उसको सही कर लूंगी, जब मैं घर आ जाऊंगी फिर मैं टोटली घर की हो जाऊंगी, मैं जहां पे कार्य कर रही हूँ उसमें अपना 100% दू, मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने अपना 100% दिया, मैं काम कर रही हूँ तो अपना मैं 100% दे रही हूँ, अगर मैं किसी अवेयरनेस कैंप में जाती हूँ तो उनके लेवल पर उतर की बात करती हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, मध्य प्रदेश की भाषा और राजस्थान की भाषा बहुत अलग है, शुरुआत में तो मुझे इतनी दिक्कतें होती थी, एक मरीज आके मेरे से कहती कि दवाई बढ़ा गई, अब वो थी ताकत की दवाई खून बढ़ाने की आयरन की कैप्सूल से, मैंने कहा बढ़ा गई तो बहुत अच्छी बात है बेटा और खा लो, खूब अच्छा है, तुम्हें जरूरत है इसके खाती जाओ, वो फिर मेरे से बोली हमने कही बढ़ा गई, मैंने फिर कहा बेटा ले लो अच्छी बात है, तीसरी बार जब उसने बहुत जोर की मुझे डांट दिया तो मेरे सिस्टर से कहा ये क्या कहना चाह रही है, समझ भी नहीं आ रहा कि ये मैं बढ़ा गई तो अच्छी बात है, वो कहती बढ़ा गई का मतलब खत्म हो गई, तो दूसरी स्टेट से आने वाले को भाषा का शुरुआत में एक दिक्कत होती है, लेकिन ग्रेजुअली मैंने उसको पिकअप कर लिया, मैं बुंदेलखंडी बड़े अच्छी तरीके से समझती हूँ और बोल भी पाती हूँ, और अब मुझे उनका ठनका भी समझ में आता है, ऊँटो ले ऊँटो भी समझ में आता है, हर वर्ड जो वो बोलती है वो मुझे समझ में आता है। जब तक एक रैपो इस्टेब्लिश नहीं होता मरीज के साथ में, हम उसका इलाज नहीं कर सकते, उसके स्तर पर जाना पड़ता है, तब उसकी बीमारी समझ पाते हैं, और जब उसको लगने लगता है कि ये डॉक्टर मेरी बहन की तरह है या मेरी माँ की तरह है, तो वो खुल के हमें पूरी बात बताएगी और तभी हम उसका पूरा इलाज कर पाएंगे, वरना तो वो क्या करती, कई बार रोने बैठ जाती, बताती नहीं, अब उसकी डोमेस्टिक वायलेंस हुई, पति ने उसको मारा है, उसके यहाँ वहां चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं हमको, लेकिन वो बोलेगी है नहीं, रोने लग जाएगी, अब ऐसी मरीज को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो भी हमने सीख लिया, समय सब कुछ सिखा देता है, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस अपने आप में काफी बड़ा एक्सपीरियंस है और काफी चीजें मैंने समय के साथ और लोगों से ही सीखी। जी मैम, और काफी आपका एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है अगर आपका कार्यकाल देखा जाए तो। मैम, मैं एक और प्रश्न आपसे इससे मिलता जुलता पूछना चाहूंगी कि हर कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, असल में हमें जनरल अवेयरनेस की भी जरूरत है, ऐसी कुछ सामान्य जानकारी जो हमारे लोगों को अवश्य होनी चाहिए, जैसे हाई बीपी की सिचुएशन हो गई या लो बीपी की सिचुएशन हो गई या फटीग हो गया या क्रैम्स या अटैक आ गए, तो ऐसे सिचुएशन में मरीजों को ऐसी कौन सी जानकारी है जो अवश्य पता होनी चाहिए ताकि वो सिचुएशन को टैकल कर ले, एकदम डॉक्टर पे ही डिपेंड ना हो जाए, क्योंकि कई बार जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वक्त की कमी हो जाती है तो वो डॉक्टरों पे हावी हो जाते हैं अगर कुछ चूक हो गई तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और मेरी ख्याल से ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमें इसी तरीके की बातें जरूर डिस्कस करनी चाहिए। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया,
मान लीजिए आप ट्रेन में हैं और किसी को अटैक आ गया, अटैक आ गया और वो गिर गया, उसने सीना पकड़ा अपना और वो धार से गिर गया। अब उसको आपने छू के देखा, उसकी नब्ज आ रही है कि नहीं? नब्ज नहीं आ रही है उसकी। अगर उसकी नब्ज नहीं आ रही है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसके पैर उठा के ऊंचे कर दे। अगर आपने उसके पैर उठा के ऊंचे कर दिए तो उसकी ब्रेन को ब्लड सप्लाई चली जाएगी, दिमाग को खून जाएगा, तो हार्ट भी काम करने लग जाएगा, लंग्स भी काम करने लग जाएंगे, पूरा शरीर वापस से चल जाएगा। ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर होना चाहिए। अगर ये 3 मिनट चले गए, आपने फोन किया, ये किया, वो किया, और आप किसी को बुलाने लग गए, उतनी देर तो मरीज एक बार ब्रेन डेड हो गया ना, फिर तो चाहे अस्पताल पहुंचा दो, चाहे हेड सेंटर पहुंचा दो, कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज तो, अगर किसी की नब्ज गायब होती है, कोई बेहोश होता है इस तरीके की स्थिति में, हम पहली चीज जो बिना किसी दवाई के भी कर सकते हैं वो ये कि उसके पैरों को उठा के ऊंचा कर। ये एक बड़ी चीज मैं बताना चाह रही थी। यूजुअली हार्ट अटैक के पेशेंट्स, शॉक के पेशेंट ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, तो ये सबको आना चाहिए। दूसरी चीज होती है डायबिटिक। हमारा देश इस समय डायबिटिक कैपिटल होता जा रहा है, डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है। तो डायबिटीज वाले जो मरीज रहते हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो एक अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड टाइप की चीज कैरी करें, उसमें उनका नाम हो, पता हो, कोई जो उनका नियरेस्ट रिलेटिव हो उसका फोन नंबर हो, साथ में उनका ब्लड ग्रुप हो, अगर उनका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की जरूरत पड़े, उनका ब्लड ग्रुप हो, उनका डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का स्टेटस हो, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है। अब डायबिटीज के मरीज के साथ दो प्रकार की इमरजेंसी आती है, या तो उसकी शुगर बहुत बढ़ जाती है तो इमरजेंसी बनती है, या उसकी शुगर एकदम से कम हो जाती है तो भी इमरजेंसी बनती है। इसमें से ज्यादा खतरनाक है लो शुगर। लो शुगर को हम कैसे पहचाने? हम ग्लूकोमीटर से टेस्ट करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन एक मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताती हूँ, लो ब्लड शुगर में उसको पसीने आएंगे, खूब पसीना पसीना हो रहा होगा, वो आदमी पसीना पसीना हो रहा होगा और बिल्कुल जान निकल गई, ऐसा बिल्कुल लाइफलेस टाइप का होके गिरने लगेगा, बोले बहुत थकान लग रही, फटीग वर्ड आपने यूज किया था, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड जो उसको फील करेगा, वो फटीग फील करेगा और बहुत उसको पसीने आने लग जाएंगे और ऐसा लगेगा कि शरीर में जान ही नहीं है। अगर ग्लूकोज का बिस्किट भी उसको खिला दिया जाए, या अगर ग्लूकोज, अगर डायबिटिक्स अपने साथ में एक टॉफी रखें या ग्लूकोज के बिस्किट रखें या ग्लूकोज पाउडर रखें, कुछ भी उनकी जेब में होगा फटाफट निकाल के उसको दे दिया तो वो ठीक हो जाएगा। ये इमीडिएट ट्रीटमेंट होगा लो शुगर का। अब हाई शुगर का कैसे पता चले? हाई शुगर अगर होती है तो जीभ निकाल के देखिए, जीभ बिल्कुल सूखी होगी, ड्राई टंग। ड्राई टंग का मतलब ये है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है। दूसरी एक चीज होगी कंफ्यूजन और हेडेक, उसको ऐसा लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। दो सिचुएशन में हो सकता है, डायबिटिक्स को भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर वालों को भी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर वालों को यदि कुछ समझ में नहीं है और तेज सर दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर को चेक किया जा सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नब्ज पर हाथ रखिए। ये जहां मैंने अपना हाथ पकड़ा है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हम अगर हाथ रख के देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि धौंकनी से चली, धार 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 इस तरीके से करके पल्स फील होती है बहुत ही तेज। और अगर हाथ पे आप देखेंगे, जैसे मेरी ब्लड वेसल दिख रही है, ये दिख रहा है बिल्कुल, खून की नलियां उभरी उभरी से दिखाई देंगी, खून की नलियां अगर उभरी उभरी से दिखाई दे रही हैं और ये नब्ज बड़ी तेज चल रही है, उसको बेचैनी और घबराहट हो रही है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। साथ में यदि किसी को सीने में दर्द है, सीने में दर्द है या बाएं हाथ में दर्द है या बाएं हाथ में झिंझनी है या बाएं कंधे में दर्द है या बैक में दर्द है या जॉ में यहां तक नीचे की जो हड्डी है जॉ में दर्द है, एंगल ऑफ द माउथ यहां तक दर्द है, ये भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। कई बार लोग गैस गैस समझते हैं, अपर एपिगैस्टियम ऊपरी हिस्से में पेट के दर्द है, ये भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, और ऐसे मरीजों को केवल कहना चाहिए डाइजिन की गोली खिला के ठीक करना संभव नहीं है। और अगर डाइजिन की गोली खा भी लिया आपने, ठंडा दूध पी भी लिया आपने और फिर भी गैस ठीक नहीं हुई, आधे से लोग हार्ट अटैक में इसलिए मर जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि गैस फंस गई, वो गैस नहीं फंसी होती, वो हार्ट अटैक आया हुआ होता है। तो बेटर टू बी कॉशियस, प्रिकॉशन लेना बेहतर है। डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर तक पहुंच जाइए
और अगर आपने खा भी ली है डाइजीन की गोली या एंटीसिड की गोली या ठंडा दूध पी लिया है और आपका ये सीने में जलन ठीक नहीं हो रही है, रेट्रोस्टर्नल पेन, ये सीने की नीचे की जगह और ऊपरी पेट में अगर इस तरीके से दर्द या जलन हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो तुरंत अस्पताल पहुंचिए, क्योंकि हार्ट अटैक में पहला 1 घंटा ही अपने पास रहता है जिसमें हम ठीक कर सकते हैं, मरीज को पूरे का पूरा ठीक कर सकते हैं, थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं, पूरे के पूरे चेंजेस रिवर्ट हो जाते हैं, ईसीजी की फाइंडिंग सब नॉर्मल आ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जानलेवा है और जिनका मैनेजमेंट हमें आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, मतलब नॉन डॉक्टर्स को भी आना चाहिए। और एक और आपने अपने प्रश्न में पहले ही बात कही थी, सभी तो डॉक्टर नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते, बहुत ही टफ है पीएमटी क्लियर करना, और जरूरी भी नहीं कि सब डॉक्टर बने। विदेशों में आप देखिए ज्यादा करके पैरामेडिक्स होते हैं जो मरीजों को ठीक करते हैं, पैरामेडिक्स रहते हैं जो डॉक्टर की सहायता के लिए जो लोग रहते हैं, तो इस प्रकार के भी बहुत सारे समूह रहते हैं जो डॉक्टर की मदद करते हैं। उनके पास डॉक्टर वाली डिग्री तो नहीं होती, लेकिन उनके पास वो स्किल रहती है कि वो मरते हुए को बचा लेंगे या ज्यादातर लोगों का वो इलाज कर पाएंगे। तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, हमें उनकी भी आवश्यकता है। अगर हम वही बन जाए, और उसके लिए 10th और 12th पास होना ही आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए, तो भी हम अपने स्वास्थ्य की व्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल हमारे GDP का 10% से कम सरकार हमें देती है हेल्थ डिपार्टमेंट को, अगर ये GDP कम से कम 10-15% भी हमको मिलने लग जाए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए और हमारी हेल्थ कंडीशंस बहुत बेहतर हो जाए। तो कुछ चीजें सरकार के लेवल पर हैं, कुछ हमारे लेवल पर हैं, कुछ कम्युनिटी के लेवल पर हैं और कुछ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लेवल पर हैं जो होनी चाहिए। जी मैम, इसी के साथ आपने हाई BP, फटीग, अटैक सबके लक्षण भी बताए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें भी जी दी बताई जो हमारे दर्शक काफी सराह रहे हैं। सोमिका राय जी है, मधुलिका निगम जी है, ठाकुर अभी सिंह है, लगातार लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैम एक चीज और मैं इसी में ऐड करना चाहूंगी कि एसिडिटी, कई बार लोग इसको भी कंफ्यूजन में ले लेते हैं और मतलब इनोपिया या हाइपर चीजें कर ली अपने मन से, और इसके अलावा एक टर्म बहुत कॉमन है स्पेशली लोकल पीपल में, ये नाभि जाना या गोला जो अपन कह सकते हैं, तो मैम इसको लेकर क्या अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? ये जो नाभि बैठाने वाले लोग होते हैं ना, ये सारा का सारा गड़बड़ कर देते हैं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, इंटू सप्शन कर देते हैं। क्या होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत दो होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर घुस गई, अब बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं हो सकती। वो जो पेट में तरह तरह की मसाज करते हैं, मेरा ये कहना है कि अगर पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, तो बेहतर होगा डॉक्टर के पास जाएं, वजह इसके कि उसको नाभि बिठाएं या किसी से लात, वो बैकिंग के लिए एक लात मार देते हैं कोई सज्जन और वो बैकिंग ठीक हो जाता है। कभी कभी मस्कुलर पेन होगा या कोई बहाने बना रहा होगा तो जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जेन्युइन स्पाइन इंजरी का पेशेंट होगा उसे नुकसान भी हो सकता है। इसी प्रकार से पेट का अपेंडिसाइटिस का पेशेंट होगा, अपेंडिक्स फूट जाएगी तो सारी जगह पे पस बढ़ जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, सेप्सिस हो जाएगी और मरीज मृत्यु के करीब पहुंच जाएगा। तो ऐसी पेट वाली सिचुएशंस में मेरे ख्याल से ये नाभि बैठाने का कार और हाथ पैर मारने का और नीम हकीम खतरे जान पे जाने का नहीं करें तो बेहतर। जी बिल्कुल सही बात है मैम, और काफी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेटिव बात की मैम। इसी के साथ हमारा एक और प्रश्न आया है दर्शकों द्वारा कि इंडियन मेडिकल सिस्टम और वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम, बहुत कुछ विशेष डिफरेंस जो आपने ऑब्जर्व किया हो। देखो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी एंशिएंट आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी थी और उनको हमने पेटेंट नहीं कराया। किसने पेटेंट करा लिया? विदेशियों ने। किसको? हल्दी को, अदरक को, ये सारी चीजें, तुलसी को, ये सब चीजें हम हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो हल्दी है ना, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, चोट चपेट लगती है तो हल्दी का लेप होता है, दूध पी लेते हैं हल्दी का तो हमें फायदा हो जाता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा होता है, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, गले में दर्द हो रहा होता है, और अभी कोरोना में भी लोगों ने हल्दी का दूध पिया है जो कि कहीं से नुकसानदेह नहीं। मेरा तो ये कहना है कि जो अच्छी चीजें हमें जहां से मिल जाए हमें ले लेनी चाहिए। तो ये हल्दी का दूध बहुत ही अच्छी चीज है। इसी प्रकार से जिंजर, अदरक का सेवन,
तुलसी का सेवन, तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि वो हमारी इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की शक्ति को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में कैंसर जैसे घातक रोगों को भी बचाता है, हार्ट की बीमारियों को भी बचाता है, जोड़ों की बीमारियों को भी बचाता है। तो जो हम 4-5 पत्ते तुलसी की का सेवन हमारे नियम बनाते पहले के जमाने में, बहुत ही अच्छा था। तो कुछ चीजें हमारे आयुर्वेद काल से बड़ी अच्छी चली आ रही है और उसे हमें फॉलो करना चाहिए। मगर जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब दिख रहा हो कि इतनी बड़ी गांठ है पेट में, अब इसको सर्जरी से निकाला जा सकता है, पेट काट के खड़ाकर जो दिख रहा है उसे हम निकाल के अलग कर देंगे, मरीज फटाफट ठीक हो जाएगा, उसको हम इलाज करवाते रहे कि वो तो मुंह से चूस के पथरी निकाल देंगे, पेट पर से बिना चीरा लगाए एक पथरी निकाल, वो गलत हो जाएगा। पथरी अगर दिख सही रही बात। है तो पथरी को गलाने की भी हमारे पास दवाइयां होती हैं। अगर 5 मिलीमीटर से सेंटीमीटर से कम की पथरी है तो उसको गलाने की भी हमारे पास दवाइयां होती हैं। जरूरी नहीं कि हम हर एक का ऑपरेशन करें, और ऑपरेशन के भी बड़े तरीके हैं। लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है, 2 मिनट में हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मरीज ओटी में रहता है और निकल आता है, और उसी दिन उसकी छुट्टी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे अंग्रेजी एलोपैथी में भी साधन है जो कि, पर मेरा ये कहना है कि सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जहां पे जरूरी है वहां पे तो एलोपैथी ही यूज करनी चाहिए। और जो क्रॉनिक वाली बीमारी है, धीरे धीरे जोड़ों की बीमारी है, ये सब है, सर्दी है, अस्थमा है, एक आंवली का कल्प होता है, आंवली में विटामिन सी सबसे ज्यादा होती है, ये मैं अपने ही एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी। मुझे पहले बहुत सर्दी हुआ करती थी, मैं शादी होकर जब यहाँ आई तो मेरे फादर इन लॉ नेचुरल थेरेपी बहुत करते थे, तो उन्होंने मुझे आंवले का कल्प कराया, एक दिन एक आंवला, दूसरे दिन दो आंवला, ऐसे में 8 आंवले तक गई, फिर 8 से 7, 6, 5, 3, 2, 1 ऐसे करके ये जो मेरा कोर्स था 15 दिन का, इसके बाद आज दिन तक मुझे वो सर्दी नहीं हुई। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी है हमारे पुरानी पैथीज में, नेचुरोपैथी में, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, बायोकेमिक में, उन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम उनको उनको इस्तेमाल करके अंग्रेजी दवाइयों को अवॉइड कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर जब अक्यूट इमरजेंसी आती है, हार्ट अटैक ही आया हुआ है, तो हम आयुर्वेद के चक्कर में ना पड़े, फिर उस समय हम एलोपैथी का इस्तेमाल करें। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, हमारा ये कहना। हाँ, एक चीज और बताऊंगी, जब पुराने जमाने में डिलीवरी के बाद में अजवाइन का पानी दिया जाता था, अजवाइन पे स्टडीज हुई और ये पाया गया कि अजवाइन में अर्गोमेट्रीन होती है, जो दवाई हम डिलीवरी के बाद अपनी प्रसूताओं को देते हैं, जिससे बच्चेदानी सिकुड़ती है और ब्लड कम जाता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता, उस चीज को हमारे लोगों ने पहले से समझा था और अजवाइन का पानी डिलीवरी के बाद देने लग गए थे, वो एक अच्छी परंपरा है। इसी प्रकार से गुड़ के लड्डू की परंपरा भी बड़ी अच्छी परंपरा है, गुड़ में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और जो उसमें हम मेवे डाल देते हैं, बादाम वगैरह, किशमिश वगैरह डालते हैं, तो उसे प्रोटीन की मात्रा भी चली जाती, आयरन और प्रोटीन दोनों चले जाते हैं, तो जितना भी डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस हुआ होता है वो कंपेंसेट हो जाता है, उसकी भरपाई हो जाती है और मरीज बिना दवाई के भी ठीक हो जाती है। तो कुछ अच्छी चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना है, कुछ खराब चीजें जैसे काजल लगाना। अब हम काजल लगाते हैं अगर यदि, तो हमारी उंगली के जरिए इन्फेक्शन आंख में जाता है, तो ये परंपरा सही उचित नहीं है, इसे त्यागना पड़ेगा। कुछ ठीक है, कुछ नहीं भी ठीक है। मालिश करना अच्छी परंपरा है, इसे चालू रखना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल मैम। जैसे आपने एलोपैथी और आयुर्वेद का बताया, वैसे ही अगर हम होम्योपैथी और एलोपैथी में देखें तो किस समय क्या सही रहेगा उपयोग में लाना? जैसे कुछ एक्चुअली एलर्जीज होती हैं। होम्योपैथी की ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, जो उसके जानकार होंगे वो बेहतर बता पाएंगे, पर कुछ ऐसा समझ में आता है कि धीरे धीरे स्किन की बीमारी होती है, चमड़ी की बीमारियां धीरे धीरे करके ठीक होती हैं, उसमें होम्योपैथी वाली दवाइयां बेहतर काम करती हैं, ऐसे मैंने सुना है, जी, इस्तेमाल तो क्योंकि नहीं मैं किया। आजकल एलर्जीज भी बहुत बढ़ गई है, जैसे ग्लूटेन फ्री चीजें बिल्कुल आने लग गई हैं, और उसी के साथ कई बार क्या होता है कि आपको रेड चिली से एलर्जी है, रिपोर्ट में अगर आया है तो या तो उसको पकी भी मत खाओ या कच्ची मत खाओ, कुछ जैसे फॉर्म्स रहता है। तो मैम इसके बारे में आप कुछ बताइए। जिस पैथी के बारे में मुझे आता नहीं है ना, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, वो उसी के स्पेशलिस्ट से पूछना। जी मैम, बिल्कुल। और मैम आपके बारे में मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि 2 साल पहले लुसाका जाम्बिया में आपको इंटरनेशनल लेवल पर बुलाया गया था सर्वाइकल कैंसर के इलाज में हुई इंटरनेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मैम उसके बारे में कुछ दर्शकों से आप शेयर कीजिए। बिल्कुल, अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो लोग ब्रेस्ट, महिलाएं जो की मृत्यु कैंसर से होती है, ब्रेस्ट कैंसर से होती है, मगर हमारे देश में देखा गया कि बच्चेदानी का कैंसर सबसे ज्यादा होता है और हमारी महिलाओं की मृत्यु बच्चेदानी के कैंसर से ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। तो जब इसकी बारे में बात की गई तो ये पाया गया कि विदेशियों ने कुछ ऐसी जांचें तैयार की जिन जांचों के जरिए वो बीमारी को होने से पहले, कैंसर की बीमारी को होने से पहले ही भाप लेते थे और ठीक कर लेते थे। अमेरिका ने अपनी सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर को 50% रिड्यूस कर दिया। कौन सी जांच से? पैप स्मियर से। अब अफ्रीका में ये कॉन्फ्रेंस की गई, क्यों अफ्रीका को चुना गया? क्योंकि अफ्रीका में एक अलग प्रकार का प्रयोग किया गया, उन्होंने VIA, एसिटिक एसिड होती है ना जो सिरका जिस तरह की चीज होती है ना, एसिटिक एसिड सिरका, वो उस प्रकार की चीज से वो लोग 1 मिनट रुई में डुबा के उसको बच्चेदानी के मुंह पे रखते और अगर जगह सफेद हो जाती तो वो कैंसर बनने वाली चीज है ये पकड़ाई में आ जाती। बड़ी सस्ती तरीके से उन्होंने इसको इसकी डायग्नोसिस बनाने का तरीका ढूंढा। तो सारी दुनिया के लोग वहां पे इकट्ठे हुए कि तुम कैसे करते हो, उनके पास डॉक्टर्स इतने कम है कि पूरी उनकी एक कंट्री में 4 गायनेकोलॉजिस्ट थी, पूरी कंट्री में 4 गायनेकोलॉजिस्ट, और उन्होंने सर्वाइकल कैंसर को बड़े अच्छी तरीके से काबू में लिया था। कैसे काबू में लिया था? उनके पैरामेडिकल्स ने बहुत अच्छा काम किया, उनके नर्सिंग स्टाफ ने थर्मल एब्लेशन नाम की प्रक्रिया से वो कैंसर को ठीक किया, पहले डायग्नोस किया और उसको ठीक किया। तो इसको सीखने के लिए हम सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट हमको दिखाया था जिससे 1 मिनट के अंदर अंदर हम उसका ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, 1 मिनट में उसकी डायग्नोसिस कर लेते और अगले 1 मिनट में उसका ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। तो 2 मिनट में हमने एक जानलेवा बीमारी से बचाव कर लिया। ये चीज हमने मांगी और हमको पिछले गत वर्ष ये चीज हमको मिल भी गई। थर्मल एब्लेशन की जो मशीन है लाखों की आती है, मगर भारत सरकार ने हमें खरीद के दी है और हमने अपने मरीजों पर इसका प्रयोग किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। टोटली ठीक होते हुए मरीज हमने इसमें देखे हैं और इसमें हम कहेंगे हमारा सागर पायनियर है, मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ है और हमने सागर में इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे हम इसे ले गए हैं और अभी भी कर रहे हैं इस पे काम और आशा है बहुत जल्दी हम कैंसर पर विजय प्राप्त कर लेंगे इसके जरिए। जी मैम, अफ्रीका में भी आपने भारत से चुनी गई आप फर्स्ट डॉक्टर थी जो वहाँ सर्वाइकल कैंसर के इलाज पर प्रोग्राम हुआ था उसमें आप सम्मिलित हुई और मध्य प्रदेश से आपने प्रोग्राम शुरू किया जिसमें सागर सबसे आगे है इस सर्विस को देने के लिए पेशेंट्स में, ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँ। भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बहुत सारे मरीज आ रहे थे और हमने काम करना शुरू किया और उसको हमारी स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया, उसको कंट्री तक पहुंचाया और कंट्री ने हमें बाहर पहुंचाया और हम वहां से ऐसी तकनीक लेकर आ गए जिससे हम फटाफट इलाज कर पाते हैं। जी, और आपने सबसे पहले सागर में ही VIA स्क्रीनिंग भी शुरू की है, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी जो कि स्पेशली कैंसर के इलाज में यूज होती है। जी मैम, नेशनल लेवल पे आप किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर कई प्रोग्राम्स करती हैं, उसके बारे में भी बताएं। किशोरी बालिकाओं पर हमने प्रोग्राम्स यही सोचकर शुरू किए कि हमारे देश में मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है विदेशों से अगर कंपेयर करें तो, और उसमें से भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है और मध्य प्रदेश में भी देखें तो हमारा सागर काफी पिछड़ा हुआ है। तो हमने पाया कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो माँ है वो जब प्रेग्नेंट होती है तभी वो उसके पास खून की कमी होती है और प्रेगनेंसी में उसकी डबल डिमांड हो जाती है, बच्चे की भी डिमांड और माँ की भी डिमांड, वो पूरा नहीं कर पाती। तब हम चाहे उसे कितना भी लोड कर दें आयरन से, उसकी खून की कमी ठीक नहीं हो पाती और कई बार मैं आपको बताऊं 25% ऑफ केसेस में ब्लड लॉस के कारण महिला की मृत्यु होती है और अनदर 20% केसेस में वो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होते हैं एनीमिया, यानी करेला और नीम चढ़ा, पहले से ही खून की कमी थी और ज्यादा खून और चला गया। तो 50% लोगों को हम इस मारे नहीं बचा पा रहे कि खून की कमी इतनी ज्यादा थी कि उसकी खून देने के बाद भी भरपाई नहीं हो पा रही। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? तो इसको ऐसे ठीक किया जाए कि शुरुआत से ही उस पर ध्यान दे दिया जाए। किशोरी बालिका से हमारे यहाँ एवरेज एज ऑफ मैरिज 14.5 ईयर्स थी,
14.5 ईयर्स बहुत यंग एज है, कहने को तो 18 साल में शादी होनी चाहिए, मगर आप सच्ची में देखने जाएं तो कई लोगों को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होती, कई लोगों को सही जानकारी होती ही नहीं है, वो कुछ भी बता देते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, और अर्ली मैरिजेस हमारे यहाँ अभी भी हो रही हैं। तो उन अर्ली मैरिजेस के कारण वो परिपक्व है ही नहीं, और उनके ऊपर बोझ हो गया मातृत्व का, अब वो कैसे झेलेंगी। तो उनको शुरुआत से ही हम प्रिपेयर करें, यानी 11 से 19 साल की लड़कियों को यदि हमने अच्छी तरीके से ट्रीट कर लिया, उनका एनीमिया हमने कंट्रोल कर लिया, मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण से उनको बाहर कर दिया, तो वो प्रेगनेंसी में भी कुपोषित नहीं होंगी, उनका बच्चा भी कुपोषित नहीं होगा, कम वजन का बच्चा नहीं होगा, और हमारी शिशु मृत्यु दर भी कम होगी। तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत से चीजों को पकड़ना है जो कि हमने किशोर अवस्था से पकड़नी शुरू कर दी। इसलिए हमने किशोर वय की बालिकाओं के लिए काम शुरू किया, और उनके कॉलेजेस में जाके, क्योंकि वो तो मेरे पास आएंगी नहीं, कई बार वो बताती नहीं है, शर्माती भी है, कई बार पढ़ाई के चक्कर में आई नहीं पाती है डॉक्टर के पास, और टैबू है डॉक्टर के पास आना, लोग प्रॉब्लम से जूझते रहते लेकिन डॉक्टर के पास आते ही नहीं, उनको ऐसे लगता है कि मैं जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि तो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच गई, तो हम उनके पास पहुंच जाते हैं। तो हमने एक दिन सुनिश्चित किया, थर्सडे के दिन हम उनके स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और उनको इलाज भी उपलब्ध कराते हैं, ऐसा हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं। अर्श नाम है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ पर ये प्रोग्राम जी। बहुत ही अच्छी बात है मैम, और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों और अवेयर भी हों। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मोटिव से आपने ये स्टार्ट किया है। मैम एक और दर्शकों से हमारे प्रश्न है, लेकिन लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि डॉक्टर अब नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन को महत्व देते हैं, आप इसको कितना सही मानती है, क्या ये मिथ है कि हकीकत है? देखिए सरकारी सेटअप में तो हमारे पास एक एलिसिस ऑडिट, सर्जेरियन ऑडिट की प्रक्रिया है, हर माह हम कितने ऑपरेशन करते हैं ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि ऑपरेशन के अतिरिक्त हम और कोई तरीका था ही नहीं, कर ही नहीं सकते थे, ये हमें प्रूफ करके सरकार को देना पड़ता है। तो हमारा जो ऑपरेशन का दर है वो 5-10% है, पूरे विश्व में 15% तक परमिसिबल लिमिट है ऑपरेशंस की, यानी नॉर्मल डिलीवरी अगर 85 हो रही है तो 15 सिजेरियन होंगे तो वो नॉर्मल परसेंटेज होती है, मगर आप सही कह रही हैं कहीं कहीं पे ये दर 40% तक पहुंची हुई है। उसके कारण भिन्न भिन्न है, मैं उनको कैसे इलाबरेट करूँ, मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ और हमारा 15% से कम ही है, तो हम तो अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। कई बार तो लोग डर के मारे भी कर रहे हैं, डर के मारे यूं कि लोग सू कर देते हैं, सू करना मतलब कि अगर बाय द वे बच्चे को कुछ दिक्कत हो गई तो वो तो डॉक्टर कहेंगे अरे आपने ऑपरेशन क्यों नहीं कर दिया, आपने तो हमें बताया ही नहीं, हम तो ऑपरेशन करवा देते उसी समय और बच्चा बच जाता हमारा। तो वो बेचारी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दे पाती। दरअसल देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा लंबा समय लेती है, 16 घंटे से 24 घंटे ले लेती है और ऑपरेशन तो आधे घंटा लेता है, तो फटाफट करना वाला काम लोगों को ज्यादा सू आता है, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा डर है कि अगर कुछ हो गया बच्चे को, इसकी सतत निगरानी करनी पड़ती है, सतत निगरानी यूं करना पड़ती है हर आधे घंटे में बच्चे की धड़कन सुनना पड़ती है, मरीज को देखना पड़ता है, उसकी पल्स ब्लड प्रेशर उसकी वाइटल पैरामीटर्स देखना पड़ते हैं। तो इतनी निगरानी अगर आप कर सकते हो तो आप नॉर्मल डिलीवरी कराओ, अगर आप इतनी सब करने में आपको आलस आ रहा है या कोई और कारण है जिससे आप इतनी निगरानी नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर है, व्हेन इन डाउट कट इट आउट, निकाल के बाहर करो, अगर जरा भी डाउट लग रहा है तो उसको ट्रायल नहीं देते, इसको हम बोलते हैं ट्रायल नहीं देते, पर हमें तो देना पड़ता है, हमारी हम प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं और हमें ऑडिट भी करना पड़ती है और हमें जवाबदारी भी है हमारी सरकार के प्रति। तो हमारे यहाँ तो ये लेस देन 15% है जो कि वर्ल्ड में परमिसिबल लिमिट्स में। जी मैम जैसा कि आपने बोला कि अक्सर लोगों का रवैया डॉक्टर के प्रति यही रहता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो डॉक्टर को ब्लेम करेंगे, ऐसे कई ऑपरेशंस भी रहते हैं जो बहुत कम परसेंटेज पर, कभी जैसे समय आपका साथ नहीं देता है या कुछ बहुत की जो चीज इम्पॉसिबल है, कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है, तो उसमें एकदम मरीज के परिजन हो सब भूल जाते हैं कि सामने आके डॉक्टर है,
सम्मान करना भूल जाते हैं या असम्मान या गलत बिहेवियर करते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति आपका क्या संदेश है मैम कि क्या रवैया रहना चाहिए उनको डॉक्टर्स को लेकर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हर आदमी जो मेडिकल प्रोफेशन में आया है मरीज को बचाने के इरादे से आया है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई दुश्मन भी सामने लेटा होगा तो डॉक्टर उसे मारने की कोशिश वो कर ही नहीं सकता। वो अपनी एथिक से बंधा हुआ है, वो तो उसको बचाएगा ही। और जो सामने लेटा है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, उसके ब्लड का रंग रेड ही रहेगा, उसका टिश्यू सेम टू सेम रहेगा। कभी भी हमने किसी मरीज को ना पूछ के ऑपरेशन नहीं किया है या उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो हमारे लिए तो सब बिल्कुल एब्सोल्युटली समानता से हम लोग कार्य करते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में सारे डॉक्टर्स मरीज को बचाने का ही प्रयास करते हैं, मगर कभी कभी मरीज की किस्मत भी होती है कुछ एक चीज, और हर मरीज एक सा नहीं होता और हर दवाई हर मरीज पे एक सा असर नहीं करती है। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट और हर सिचुएशन डिफरेंट टर्न ले सकती है। जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर भी हम ये कहें कि मातृ मृत्यु दर शून्य ऐसे नहीं है, वहां भी 10-15% 20% है, हमसे बहुत कम है माना, लेकिन वहां भी है, यानी कोई भी अमर होके तो नहीं आया है। और सिचुएशन किस प्रकार का टर्न लेगी, इरिवर्सिबल शॉक में अगर पेशेंट आती है आपके पास तो आप लाख कोशिश कर लीजिए बचा नहीं पाएंगे। तो प्रयास तो आपका रहेगा बचाने का ही, लेकिन फिर भी कई बार मृत्यु जीत जाती है, डॉक्टर हार जाता है, मगर प्रयास डॉक्टर का हमेशा बचाने का होता है। और मेरे ख्याल से मेरा संदेश सारे जन समुदाय के लिए यही रहेगा कि आप सोचिए तो सही कि डॉक्टर को क्या मिलने वाला है आपके मरीज को मार के, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर का उद्देश्य है आपके मरीज को बचाना, वो उसी के लिए कोशिश करेगा और हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और अगर हम पॉजिटिविटी के साथ में जाएंगे और डॉक्टर डॉक्टर भी तो नर्वस हो सकता है, डॉक्टर को हम और नर्वस ना करें। जब सिचुएशन बहुत खराब होती है और 20 लोग आके डॉक्टर के सिर पे खड़े हो जाते हैं कि बेचारे के हाथ पैर कई बार ठंडे होने लग जाते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाता, तो उस समय हम डॉक्टर का सहारा बने, ना कि देख ले अगर ये मर गया तो फिर हम तेरे को देख लेंगे, हमारे पीछे फलाने मंत्री और फलाने विधायक और फलाने। ये वाली सिचुएशन जब आती है ना तो आपकी कई बार जो उसको करना चाहिए ना उसका मेंटल बैलेंस उस समय, वो भी तो इंसान ही है ना। सही बात। प्रेशर में अगर आप काम करवाइएगा तो प्रेशर में काम उतना अच्छा नहीं होगा जो कि ठंडे दिमाग से होगा। तो डॉक्टर का दिमाग भी न खराब करें, डॉक्टर डेफिनेटली आपके हित में कार्य करेगा, आप भी उसका सहयोग करिए। और बेहतर ये होगा कि परिजन भी अगर डॉक्टर की मदद किसी भी प्रकार से कर सकते हो तो जरूर करें और उसके साथ ही रहें और ये मान के चले। और ये तो मेरा तो पूरा विश्वास यही है कि कोई भी डॉक्टर किसी को मारना कभी भी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि वो कोई हादसा फेस करे, कोई नहीं चाहेगा कि एक ह्यूमन बींग, वो भी ह्यूमन बींग और सामने वाला भी ह्यूमन बींग है, उसे मरने दे, उसे वो हर कोशिश करके बचाएगा, प्रोवाइडेड उसे कोई नर्वस ना करे, उसके ऊपर प्रेशर ना डाले, गन पॉइंट पे ना खड़ा हो जाए। ये कुछ सिचुएशंस रहती हैं जो कई बार डॉक्टर को मतलब परेशान कर देती हैं, उसकी वर्किंग कंडीशन वैसे भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं और उस पर से प्रेशर बन जाए तो अच्छा खासा आदमी, अगर आपके चार लोग खड़े हो जाए ना, रोटी तुम्हारी गोल क्यों नहीं घूम रही है, एक इधर से बोल रहे, एक उधर से बोल रहे, इधर सास बोल रही है, उधर से पति बोल रहे, तो घूम रही होगी रोटी तो भी ना घूमेगी, वही प्रॉब्लम डॉक्टर के साथ भी हो जाती है, वो कर रहा होता है तो नहीं कर पाएगा। तो उसको सपोर्ट करें, मॉरल सपोर्ट भी करें, फिजिकल सपोर्ट भी करें। और ये मान के देखिए हमारा मन जैसे होते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये वाली चीज होती है। हम सोचते हैं डॉक्टर मेरे मरीज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, और हम पहले से सोचिए अरे ये तो सरकारी अस्पताल है इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो बेचारा वो करना चाहेगा तो वो भी ना कर पाए। जी बिल्कुल मैम। अगला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों में आज भी सोशल इश्यूज हैं हमारे समाज में, तो अगर लड़की पैदा होती है तो उसका एक अलग होता है यूजुअली, और लड़का पैदा हो तो उसका जश्न अलग तरीके से मनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में आप क्या संदेश देंगे?
देखिए चीजें परिवर्तित हो रही है, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं परिवर्तित, नहीं लोग नहीं मांग के करते, मतलब भगवान से प्रार्थना करते। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं रोज पूजा के समय बोले भगवान मुझे लड़की देना, भगवान ने मुझे लड़की दी। मेरी दादी मुझे रोज कहती, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलो जान, ऐसे कहो भगवान हमें लड़का दो, लेकिन हम बोलते थे भगवान हमें लड़की दो। तो विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, भगवान ने हमें लड़की दी तो हम बहुत खुश हुए। तो इस तरीके के लोग भी हैं जो लड़की चाहते हैं और लड़की की जन पर बहुत खुश होते हैं। पर आप सही कह रही हैं कि इसकी संख्या अभी बहुत कम है, ज्यादातर अभी भी कुछ ऐसी मान्यता है जिनको की रूढ़ी रूढ़ियां हैं जिनको की तोड़ना रूढ़ीवादी आवश्यक है। रूढ़िवादिता को तोड़ना आवश्यक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अलग करना जरूरी है, लड़की लड़की में भेदभाव। हमारे यहाँ तो उल्टा ही भेदभाव होता था, हमारे डैडी तो हमें ज्यादा सपोर्ट करते थे, हमारे भाई को कम करते थे, मतलब हम डैडी की ज्यादा लाडली थे एज कम्पेयर टू हमारा भाई। तो कई जगह ऐसा भी होता है, तो दोनों ही चीजें होती है, जबकि होना ये चाहिए कि हाँ समानता का अधिकार होना चाहिए। लड़का पढ़ रहे तो लड़की भी पढ़ेगी, लड़का खा रहे तो लड़की भी खाएगी, लड़का पहन रहे तो लड़की भी पहनेगी, तो सब चीज बराबर बराबर। आप ये इंटरव्यू ले रही हैं मेरा, और मैं डॉक्टर हूँ, लड़के भी डॉक्टर होते हैं, मैं लड़की हूँ मैं डॉक्टर हूँ, आप भी इंटरव्यू ले रही हैं, लड़के भी इंटरव्यू लेते हैं, आप भी इंटरव्यू ले रही हैं, तो हम और आप इसका एग्जाम्पल है कि लड़के लड़की में भेद खत्म हो रहा है, मगर समय लगेगा। समाज एक एक रात में परिवर्तित नहीं होता, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। मुझे लगता है एक दिन आएगा जब ये भेद भी खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन आज की तारीख में तो ये भेद है, और लड़की लड़की का चक्कर अभी भी हमारे प्रांत में तो है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी इस चैलेंज से हमें लड़ना बाकी है, हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और जीत भी लेंगे, पर अभी जीत बिल्कुल पाए मैम। नहीं है। और जी, सरल भारत टीम पूरी आपके साथ है। हम सब कोशिश करेंगे जो जो चीजें आपने बोली है उस विषय पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए, उन तक मैसेज पहुंचाया जाए। और इनफैक्ट मैसेज जा भी रहा है हमारे दर्शकों तक, क्योंकि लगातार अभी भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। मनीष पांडे जी है, रिम्मी सक्सेना जी है, मुस्कान खरे जी है, बहुत सारे लोग आपको सराह रहे हैं। ठाकुर अभी सिंह का स्पेशल कमेंट भी आया कि आपने सागर का नाम ऊंचा कर दिया है, सागर के नाम को एक प्रसिद्ध टैग मिल चुका है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछूंगी कि अब जैसे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, कोरोना के बाद साइड इफेक्ट वाली बीमारियां बहुत आ रही है, उसके बाद अब डेल्टा वेरिएंट और थर्ड कोरोना वेव, क्या उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं? हमारा भारत बिल्कुल तैयार तैयार है, है पूरी कोविड तरह? के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक मैसेज पढ़ रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के साइट पर डला है, ग्वालियर उज्जैन और देवास, इसमें सीरो पॉजिटिविटी रेट, एंटीबॉडीज कितनी है लोगों के शरीर में, इस पे स्टडी की और पाया गया कि 70% से 80% के बीच में जनरल पॉपुलेशन में है, और डॉक्टर्स में तो 80 से लेके 93% तक है। मतलब डॉक्टर्स पेशेंट के ज्यादा कांटेक्ट में आए ना, तो भले से वो बीमार नहीं पड़े जी हो, भले उनका टेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन धीरे 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 करके वो हो गए, अच्छी तरीके से उनमें एंटीबॉडीज हो गई। और अगर ये डेटा है, प्रूवन डेटा है कि 70% से ज्यादा लोगों में अगर एंटीबॉडीज हैं तो थर्ड वेव नहीं आएगी। तो कुछ जगहों पे तो 70% का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, पर कुछ जगहों पे नहीं भी हो रहा है। एवरेज देखते हैं तो 67% है अभी सीरो पॉजिटिविटी रेट, अगर 3% और हमने कर लिया तो ये डेल्टा वेरिएंट जो है, जो कि थर्ड वेव लाने वाला है, इसको हम हरा देंगे। एक तो ये पॉइंट है जो मुझे जी बोलना था, दूसरा ये पॉइंट है कि हम अब तैयार है। पहले हमारे पास दूध कम था, हम चाय नहीं बना पा रहे थे ज्यादा लोगों की, अब हमारे पास ऑक्सीजन भी है, बेड्स भी है, सब कुछ है, डॉक्टर्स भी है, पैरामेडिक्स भी है, ट्रेन भी है, और हमने सब व्यवस्थाएं जुटा ली है, हम थर्ड वेव से बड़े आराम से जूझ लेंगे। और वो थर्ड वेव, और एक और चीज है, गुलेरिया जी जो है एम्स वाले, उनका ये कहना है कि थर्ड वेव जो है ना वो उतनी घातक नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव थी। सेकेंड वेव जी किसी भी पैंडेमिक की वर्स्ट वेव होती है, सबसे बुरी सेकेंड वेव ही होती है, थर्ड वेव उससे थोड़ी कम होती है, और फोर्थ और फिफ्थ तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है। तो अब हम एक बेटर पोजिशन में है हैंडल करने के लिए, और जो वेरिएंट आने वाला है वो उतना घातक नहीं होगा जितना कि सेकेंड वेव था। सबने अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, किसी ने किसी को जाते हुए देखा है, ऐसा नहीं हुआ था पहले कभी जो हमने अब देख लिया है।
भगवान की कृपा रही तो थर्ड वेव में हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम थर्ड वेव में लोगों को बचा ले जाएंगे, ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जिनके घर में बच्चे हैं, अभी तक हमने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया है, लैक्टेटिंग मदर्स को, मैंने दूध पिलाने वाली माताओं को किया, और 23 तारीख से हमने गर्भवती माताओं को भी वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया, और बाकी लोगों को तो हम पहले से कर ही रहे थे। अब केवल एक ही कैटेगरी के लोग बचे हैं, हमारे बच्चे, उनको हम बचा के रखें, उन्हें भीड़ भाड़ में जाने न दे, उनको पूरे प्रिकॉशंस के साथ बाहर निकलने दें, यदि निकलना ही पड़े तो मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, और हम जो बाहर जाते हैं बच्चों से संपर्क में आते समय विशेष प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, तो हम थर्ड वेव में अपने बच्चों को बचा ले जाएंगे। ये स्पेशली कहना है मेरा, जिनके घर में बच्चे उनके उनसे थर्ड वेव ज्यादा, अभी का प्रेडिक्शन ये कि बच्चों को अफेक्ट करेगी, और बच्चों को बचा लिया हमने, जैसे सेकेंड वेव में हमने अपने एल्डरली लोगों को बचा लिया, यानी जो लोग वृद्धावस्था वाले थे, जो कोमॉर्बिडिटी वाले, वो तो बच गए, और मरे कौन से लोग, यंग वाले लोग मर गए जिन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, जो बिंदास घूमते थे और सोचते थे कि कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो लोग कई बार इसमें काल का ग्रास बन गए सेकेंड वेव में। ऐसी सिचुएशन थर्ड वेव पर नहीं बननी चाहिए, हमें सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने चाहिए, मतलब मास्क, सैनिटाइजेशन, इसको हम बोलते हैं SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। SMS हम करते हैं मोबाइल पे, सबको याद रह जाता है, और ये SMS अगर याद रह गया तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबका हो ही जाएगा, और इस तरीके से हम थर्ड वेव को बचा लेंगे। जी, और आगे अगला जी बिल्कुल, उसमें सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, लोगों की भी बनती है कि वो प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करें, जो SMS है बनती है। जो सेकंड वेव में डिजास्टर फैला है ना, वो कम्युनिटी स्प्रेड था, कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये लोगों से एक दूसरे में फैला था, इसमें डॉक्टर्स का रोल नहीं था, इसमें पब्लिक का रोल था सबसे ज्यादा, और थर्ड वेव में भी पब्लिक ही रहने वाला है, वो कह रही है आओ आओ, हम मास्क नहीं लगा रहे, आओ आओ, हम भीड़ जुटा रहे, आओ आओ, तो ये हमें बंद करना पड़ेगा। जी जी, और मैम जैसे आपने SMS और मोबाइल का जिक्र किया, इससे मुझे याद आया कि आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बच्चे भी इस पे लगे रहते हैं, ऑनलाइन भी टेंशन में, प्रेशर में, एग्जाम्स के समय बहुत टेंशन रहता है, बहुत लोड रहता है, ऐसे में किस तरह का न्यूट्रिशन बच्चों को स्पेशली फॉलो करना चाहिए, यही क्वेश्चन हमारे दर्शकों से भी था। न्यूट्रिशन में हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स और साइट्रस फ्रूट्स, मतलब हमें क्या खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, नींबू, संतरा, अमरूद, आंवला, ये वो सब चीजें, ये जो गिलोय, नीम, और हमारी अदरक, सिनेमन, दालचीनी, ये कुछ चीजें, हल्दी, ये वो चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी। आज हम जो सांस ले पा रहे हैं इसलिए ले पा रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी इम्यूनिटी खराब थी, लाख दवाई के बावजूद हम उन्हें नहीं बचा पाए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो हमारे अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आपने ब्लैक फंगस की बात भी की थी, ब्लैक फंगस का एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, ब्लैक फंगस की हमारे देश में क्यों आई मालूम, दूसरे देशों में इतनी क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारे पास डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो हमारा तो ये कहना है कि सब लोग अपना शुगर का स्टेटस जरूर असेस करके रखें। अगर शुगर जिसको होती है उसको फंगस बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, तो शुगर वाले मरीजों पे फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई, और ऑक्सीजन जिनको दिया गया, तो ऑक्सीजन जब हम देते हैं तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं, जो पानी होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के बाजू में एक छोटा सा कहना चाहिए ग्लास जैसी चीज लगी होती है, उसमें पानी रहता है, वो पानी अगर अगर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो भी ब्लैक फंगस की पॉसिबिलिटी बनती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ब्लैक फंगस होने का रहा स्टीरॉइड का यूज, स्टीरॉइड का यूज पहले 6 दिनों में नहीं करना था, अगर आपने शुरू से ही कर लिया उसको इस्तेमाल, तो ये फंगस को इनविटेशन है, फंगस आ जाएगा। हमने ओवर यूज किया रेमडेसिविर का, हमने ओवर यूज किया स्टीरॉइड्स का, जहां जरूरत हो वहां देना है, जहां नहीं जरूरत हो वहीं नहीं देना है, क्योंकि स्टीरॉइड्स भी हमारे शुगर लेवल बढ़ाते हैं और फंगस को इनवाइट करते हैं,
तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो सीख हमने पा ली है सेकेंड वेव से, और एज डॉक्टर्स तो हम इसको ठीक करेंगे, मगर लोगों में पैनिक नहीं होना चाहिए। लोगों में इतना पैनिक था कि किसको चाहिए फेविपिरावीर की नहीं वो खा लेगा, रेमडेसिविर चाहिए कि नहीं वो जुगाड़ लगा के ले लेगा, हाँ उसको डेक्सामेथासोन चाहिए कि नहीं वो स्टीरॉइड खा लेगा। तो वो मतलब कुल मिला के वो ये सोचते हैं कि वो अम्ब्रेला ट्रीटमेंट करके सारी चीजों को कवर कर ले रहे हैं, मगर वहीं पे उसने इनविटेशन दे दिया कॉम्प्लिकेशंस को, जो नहीं होना चाहिए। पहले 5 दिन का इलाज बिल्कुल अलग है, 6ठे दिन से 90 दिन का इलाज बिल्कुल अलग है, और डॉक्टर की राय के बिना कोई भी दवाई नहीं खाना है, चाहे आप कितनी भी प्रभावशाली हो, कितनी भी रेमडेसिविर आपके पास पड़ी हो, आपको जरूरत नहीं है, तो आप अपने लिवर को कमजोर कर रहे हैं, किडनी को कमजोर कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स को आप न्योता दे रहे हैं बिना जरूरत की दवाइयां खा के, और जिनको जरूरत है उनको वंचित रख रहे हैं। तो दवाइयों की होर्डिंग भी नहीं होना चाहिए और इनअप्रोप्रिएट यूज भी नहीं होना चाहिए, और बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, और बिल्कुल डरना मैम, तो बिल्कुल ये ही सब नहीं चाहिए। बातों आदमी को लोग तो डर के मारे ही खा लेते थे। हाँ, ये सब हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी बातों का, कि डॉक्टर से पूछे बिना या बिना अवेयरनेस और प्रिकॉशन कोई भी अपने आप से डिसीजन ना ले। ये सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ। मैम एक स्पेशल प्रश्न है हमारे व्यूअर से कि प्री मेच्योर डिलीवरी के कारण बच्चादानी कमजोर हो जाने पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके बारे में क्या कहना है आपका। गर्भ धारण में समस्या हो रही है, 3 महीने से ज्यादा नहीं रुक रहा है। ये पोजीशन तब बनती है जब या तो हमने कभी एमटीपी कराई हो, डीएनसी कराई हो, यानी कि जैसे गर्भपात जैसी स्थिति बनती तो औजार के द्वारा बच्चे के जो रिटेन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको निकाला जाता है। तो जब हम उसको निकालते हैं तो बच्चेदानी के मुंह को थोड़ा चौड़ा करते हैं, उसको डायलिटेशन कहते हैं, और अगर वो ढीला ही रह जाए, वो मुंह ढीला ही रह जाए, तो जब उसमें प्रेगनेंसी आएगी और ऊपर से जोर पड़ेगा तो वो खुल जाएगा और समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी। इस वाले केस में जो आप बता रही हैं प्रीमेच्योर डिलीवरीज अगर किसकी हो रही है, अबॉर्शन बार बार हो रहे हैं, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में एक सोनोग्राफी करना चाहिए जिसमें इनकम्पिटेंट ऑस, यानी ये ढीली तो नहीं है, अगर ये बच्चेदानी का मुंह ढीला है तो एक टांका लगाया जाता है जिसका नाम होता है मैकडोनाल्ड स्टिच, वो लगा के हम इस बच्चेदानी को कस सकते हैं और फुल टर्म प्रेगनेंसी तक इस डिलीवरी को होने देने तक पहुंचा सकते हैं दवाइयों के जरिए और सर्जरी के जरिए। इनको डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिना प्रेगनेंसी, और एक अकेला ही कारण नहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी का कि ढीला होना बच्चेदानी का, और भी कारण है। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी चले जाना चाहिए, जो टेस्ट हम नॉन प्रेग्नेंट में कर सकते हैं वो नॉन प्रेग्नेंट में देख लेंगे, और जिसको प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट करना है उसको प्रेगनेंसी में टेस्ट कर लेंगे। तो दोनों ही प्रकार से उनको इलाज ले लेना चाहिए। जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करें उसके 3 माह पहले से उनको फॉलिक एसिड नाम की दवाई का सेवन करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। बिल्कुल मैम। मैम इसी के साथ हमारे दर्शक जो हैं, जैसे ठाकुर अभी सिंह हैं, महेश तिवारी जी हैं, नीलेश पटेल जी हैं, वो सब आपका बहुत बहुत आभार कर मान रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने क्वालिटी टाइम दिया, इतना व्यस्त होते हुए भी हमें टाइम दिया और बहुत ही इंगेजिंग, इंटरेक्टिव, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और बिल्कुल सकारात्मक सेशन ये हमारा रहा है, पहला डॉक्टरनामा सीरीज का, वो भी आपके द्वारा। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई, हमारे दर्शकों को भी बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, आपका आभार और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। मैम लास्ट में आप कुछ संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मेरा संदेश तो यही रहेगा कि वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। इस समय थर्ड वेव को रोकने का जो एक इकलौता उपाय हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। उससे कोई ना डरे, स्पेशली हमारी प्रेग्नेंट वुमन बिल्कुल ना डरे, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं वो बिल्कुल ना डरे, जो हमें एक बहुत अच्छा एक तरीका मिल रहा है बचने का उसे हम इस्तेमाल कर लें तो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे वेव से बच जाएंगे। तो मेरा संदेश तो यही रहेगा कि वैक्सीनेशन अवश्य कराएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल न छोड़ें, SMS सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंस, बस यही कहना चाहूंगी। और मैं खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि आपके जरिए इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पाई, और जो संदेश मैं कभी नहीं दे पाती इतने सारे लोगों को वो आपके माध्यम से कई लोगों तक पहुंच गया, इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। धन्यवाद।
जी जी मैम, और मैम इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप जैसे हंसमुख और पॉजिटिव विचार के डॉक्टर होंगे तो अवश्य लोगों को कोई डर नहीं होगा, और पूरी सरल भारत टीम आपका आभार मानती है, विश्व के सभी डॉक्टरों का सम्मान पूर्वक सम्मान से देखती है और सम्मान करती है। जैसे एक मंदिर में भगवान की पूजा होती है, वैसे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए भगवान की तरह प्रतिनिधि कर रहा है, तो कभी भी उनका अपमान ना करें किसी भी सिचुएशन में, यही मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी। और इसी के साथ मैम हम आपसे ये भी आशा रखते हैं कि आपसे फिर से जुड़ेंगे फ्यूचर में, आपसे ऐसा ही बहुत ही एंगेजिंग और इंटरेक्टिव सेशन करेंगे ताकि लोगों तक और अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।